अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैर वाफियत से होंगे और यकीनन ठंड भी इंजॉय कर रहे होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। लिसनर्स, आज जैसे कि आपने वीडियो का नाम भी देखा होगा कि हम बटरफ्लाई मेथड पढ़ने जा रहे हैं कि बटरफ्लाई मेथड के ज़रिए आप कैसे किसी भी फ्रैक्शन को प्लस या माइनस कर सकते हो। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कैसे होगी, तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं। आपने इस तरह के क्वेश्चन यकीनन पढ़े हुए होंगे कि आपके सामने लिखा हुआ आता है 4+6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9। तो आप इसे डिफरेंट मेथड से भी 6 और इस 6 और 9 का एलसीएम भी लेते हैं और डिफरेंट मेथड यूज़ करके इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा मेथड और बहुत ही आसान मेथड जिसको बटरफ्लाई मेथड का नाम दिया गया है मैं आपके सामने रखूँगा, जिसकी मदद से आप इस तरह के क्वेश्चन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन इस तरह के क्वेश्चन की आसानी के साथ कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूंगा कि मेरे पास फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 4 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6। मेरे पास इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाएगा, या आप कभी भी इस तरह का क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले आप गौर से देखते जाइए कि इन दो एंट्रीज को आप हमेशा सर्कल कर लें या ओवल बना लें इनके गिर्द। इसी तरह ये जो आपके पास दो एंट्रीज हैं, दो नंबर हैं, इनके गिर्द भी आप ओवल बना लें। सबसे पहले आपने कहा था कि ये बटरफ्लाई मेथड है, तो बटरफ्लाई की शेप इसे दे लेते हैं। उसके बाद इसका अगला जो स्टेप होगा, प्रोसीजर होगा, उसे फॉलो करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बटरफ्लाई की शेप बन गई है। अब आप गौर से देखेंगे कि मैं जिन नंबर्स पे डॉट लगाता जाऊंगा, या सबसे पहले आपने 4 और 6 के गिर्द इन दो नंबर्स जिनके ऊपर मैंने डॉट लगाए, इन दो नंबर्स के गिर्द आपने ओवल बनाया था, तो आप 6 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 24। इसी तरह आपने 9 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो आपको, अगर टेबल पे ग्रिप है तो आपको पता है ये आपके पास 18 आ जाएगा। 18 आ गया आपके पास। उसके बाद आप ये 9 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 54। ठीक है, ये जो आपके पास अभी 54 आया है, ये आप डायरेक्ट डिनोमिनेटर में लिख दें कि आपने 54 लिख दिया। उसके बाद आप ये जो दरमियान में प्लस पड़ा हुआ है, ये प्लस उठा के यहाँ पे ले जाएं और इन दो नंबर्स को, यानी कि 24 और 18 को आपस में प्लस कर दें। 24 में अगर 18 आप प्लस करें तो आपके पास इसका रिज़ल्ट जो आता है वो आएगा 42, और 42 डिवाइडेड बाय 54 इस टोटल फ्रैक्शन का आंसर होगा। ये इस टोटल फ्रैक्शन का आंसर है और ये बहुत ही आसान मेथड है एलसीएम की निस्बत। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल इसी क्वेश्चन की ट्राई करता हूँ माइनस के लिए, कि मैंने लिखा 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 6। आप बिल्कुल उसी तरह इन दो नंबर्स को पहले ओवल बना देंगे इसके गिर्द, फिर इन दो नंबर्स के गिर्द ओवल बना देंगे, फिर आप इसका बटरफ्लाई कंप्लीट करें, बटरफ्लाई शेप कंप्लीट करें। उसके बाद 4 और 6 आपस में मल्टीप्लाई होके 24, और इसी तरह ये 9 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होके 18 आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह ये दरमियान में माइनस पड़ा हुआ है तो ये माइनस यहाँ सेंटर में आ गया, और ये
सिक्स और टू आपस में मल्टीप्लाई हो गए, सिक्स टूज आर एट, सिक्स टूज आर 12 और ये 12 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा, ये 12, ये वाला 12 ये आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ऊपर वाले दो नंबर्स यानी कि 24 और 18 लिखे हुए हैं और दरमियान में माइनस का साइन है, 24 इस वाले 24 में से 18 अगर आप लेस करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 6/12 जो कि इसकी इसका रिजल्ट है। आप बटरफ्लाई मेथड के ज़रिए या किसी भी मेथड के ज़रिए आप इसे सॉल्व करें तो आपके पास इसका रिज़ल्ट यही आएगा। व्यूअर्स, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, बटरफ्लाई मेथड आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलिएगा और